नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने वाले हैं और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपने 100 दिन में क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, क्योंकि इसी के बल पर आगे की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो की जाएगी। सरकार ये बताने की पूरी कोशिश में लगी हुई है कि हमारे विभागों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने और हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 100 दिन में वो बेहतर काम किए हैं जिसकी रूपरेखा चुनाव से पहले तय की गई थी। और चुनाव के बाद ये बताया गया था कि आखिर कौन कौन से वो प्रमुख योजनाएं, प्रमुख काम हैं जिन पर हमें काम करना है और जनता के हित में सोचना है। लगातार सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि पहले 100 दिन, फिर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इस तरह से जो रणनीति है वो तय करी जाए और उसके अनुसार ही जनता के लिए काम करके ये बताया जाए कि आखिर विभागों की तरफ से, आखिर सरकार की तरफ से जनता के हित में कितना काम किया गया है। और ये काम लगभग सभी विभागों का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक विभाग का या सिर्फ सरकार का। सरकार के सारे विभागों में कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट किया गया था जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 2.0 वाली सरकार आई थी और उस एजेंडे में ये बताया गया था कि अब आगे रणनीति कैसे तय करी जाएगी और आगे कैसे काम किया जाएगा। ये बताया गया था कि किस तरह से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता को एक नए प्रारूप के साथ उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को गति देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, कैसे उसका परफॉर्मा तैयार किया गया है। ये सारी जो हिदायतें थी वो अधिकारियों को लगातार पहले जब सरकार ने शपथ ग्रहण की थी उसके बाद से दी जा रही थी। और ये कहा था कि जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो नेता मंत्री अपने विभागों का जो खाका है वो जनता के बीच जा करके बताएंगे। अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग भी जनता के लिए काम करिए, टारगेट सेट करिए और उसके बाद 100 दिन बाद ये बताइए कि आपने कितना काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक आज करी और उस बैठक में कई सारे प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करी। चर्चा के साथ उन्होंने कहा कि जब 100 दिन पूरे हो रहे हों तो लगभग सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जनता के बीच जा करके सही तरीके से प्रचार प्रसार करें और ये बताएं कि 100 दिनों में उनके विभाग और उनकी सरकार ने, जिसे उन्होंने चुना है, उस सरकार ने कितना काम किया, उस सरकार ने जनता की कौन सी वो योजनाएं थी जो जमीन पर सही तरीके से उतारी और उस योजना का जनता को कैसे लाभ पहुंचेगा, आखिरी व्यक्ति तक कैसे योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों के हल पहुंचेंगे, इन सब की जो तैयारी है उसका जायजा जो है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। हालांकि कल गृह विभाग की तरफ से 100 दिन का जो परफॉर्मा था और 100 दिन का कैसे काम काज रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड अवनीश अवस्थी की तरफ से पेश किया गया और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे हम लोगों ने टारगेट के तौर पर काम किया और विभाग ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार परक उत्तर प्रदेश बनाने की दृष्टि में बेहतर कदम उठाए हैं। उन्होंने यह बताया कि गृह विभाग की तरफ से करीब 93 लक्ष्यों को लेकर के हम 100 दिन के एजेंडे के साथ उतरे थे और इस 100 दिन में 93 में से करीब 70 ऐसे लक्ष्य जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बाकी के जो ये लक्ष्य हैं वो आने वाले 10 दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे और ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में 10,000 नई पुलिस की भर्तियां सरकार की तरफ से की जानी थी इन 100 दिनों में, जिसमें से करीब 9,500 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है और करीब 500 आश्रितों की भर्ती भी लगभग पूरी की जा चुकी है। बाकी के जो काम बचे हुए हैं इन 93 लक्ष्यों में से वो बाकी 10 दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे, जब तक ये 100 दिनों का समय लगभग पूरा भी हो जाएगा। ये भी बताया गया कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से बेहतर कदम उठाए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में करीब 844 करोड़ की जो लोगों की संपत्तियां थी वो कुर्क की गई थी, गैंगस्टर एक्ट जिनके ऊपर लगा था। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं गृह विभाग की तरफ से कि 100 दिनों में उन्होंने क्या काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों से ये बोला है कि 30 जून तक 100 दिनों का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के आधार पर आपने क्या क्या काम किया वो जनता के बीच जाकर के बताइए। 4 जुलाई को समय और तारीख निर्धारित की गई है कि 4 जुलाई को सभी नेता मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जनता के सामने आकर के ये बताएंगे कि सरकार ने 100 दिन में कैसे काम किया।
और ये भी बताया गया आज एक बैठक के जरिए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करना है, परिवहन की व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करना है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इन सब पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श चर्चा जो थी वो आज मुख्यमंत्री ने विभागों की समीक्षा बैठकों के दौरान मंत्रियों के साथ की। उन्होंने ये कहा कि पीपीई मोड पर सीएचसी अस्पताल जो है वो हर जनपद में खोले जाएंगे, उनकी देख रेख अच्छे से होनी चाहिए, वहां पर इलाज बेहतर तरीके से होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स टीमें वहां पर होनी चाहिए, अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या हो तो जल्द से जल्द वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचे उस व्यक्ति तक। प्रदेश में हेल्थ एटीएम की स्थापना भी करने का एक लक्ष्य जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है, और परिवहन विभाग कैसे बेहतर काम करे, डग्गामार बसों को एक नई व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश जो है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। तो लगातार पुलिस विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य और कई सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मसला है उसको कैसे बेहतर करके कैसे और अच्छे से सुलझाया जाए, इन सबको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 2.0 वाली सरकार ने पहले ही सोच रखा था और उसी लक्ष्य पर विभागों ने काम करके ये बताने की कोशिश की है कि हाँ हमने बेहतर काम किया। फिलहाल इसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आने वाले 30 जून तक जनता के सामने और 4 जुलाई को सार्वजनिक रूप में सबके सामने पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ से ये सोचने वाली बहुत अहम बात है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की ये सरकार जानती है कि अगर इन कामों को बेहतर तरीके से जनता के सामने पेश किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा बहुत विपक्ष बचा भी हुआ है वो भी 2024 आते आते बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा, क्योंकि जनता के सामने अगर आपने अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने नेताओं का अच्छा रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया तो जनता भी कहीं ना कहीं एक मूड बना लेगी कि 24 में बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। और उसी को देखते हुए ये जो बैठकों का सिलसिला है, जो समीक्षाओं का सिलसिला है, ये 100 दिन का जो खाका तैयार करने का सिलसिला है ये शुरू किया गया था। आजमगढ़ रामपुर की जीत का भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमारी जीत ये सुनिश्चित करती है कि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो काम है, हमारी डबल इंजन वाली जो सरकार है उसकी सराहना जनता अपने घरों घरों तक कर रही है और उसी वजह से हम आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटें भी जीत करके आए हैं। तो इससे ये साफ मैसेज पहुंचाने की कोशिश सरकार की तरफ से है कि हम पूरा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे 100 दिन से लेकर के आने वाले 2-2.5 सालों तक, जब तक 24 का चुनाव नहीं होता है, और 24 के चुनाव में ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितना क्या काम किया, विभागों ने कितना बेहतर काम किया, और उसी का नतीजा ये है कि अब हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2022 में काबिज हुए हैं, 24 में हमें फिर से मौका दीजिए ताकि हम केंद्र में अपनी स्थिति को और बेहतर मजबूत कर सके, ताकि जनता का हित हो सके। लेकिन विपक्ष के सामने कई सारे और चुनौतियां, कई सारी समस्याएं हैं कि कैसे इन वादों से, कैसे इन दावों से वो लड़ेंगे, कैसे इसका जवाब देंगे, कैसे उन्होंने अपनी रणनीति तय करी हुई है, वो इन 100 दिनों के काम को किस नजर से देखते हैं, वो क्या समझते हैं कि सरकार ने 100 दिनों में कितना बेहतर काम किया है, जो रिजल्ट पेश करने की बात कही जा रही है या जो रिजल्ट सरकार बता रही है कि हमने लगभग लक्ष्यों को पूरा किया है, तो क्या असल में वो लक्ष्य पूरे हुए हैं, क्या सोचता है विपक्ष, उत्तर प्रदेश में आगे की तस्वीर क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी विपक्ष की, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। माननीय योगी जी की सरकार जो 100 दिन अपने पूरे करने जा रही है, 100 दिन का एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको दिया था, अपने उस एजेंडे के साथ ये सरकार 100 दिन पूरा कर अपनी पूरे प्रदेश की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देने जा रही है। 100 दिन, उसके बाद 6 महीने का एक कार्य योजना तैयार करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी। सभी माननीय मंत्री अपने सभी क्षेत्रों में जाकर, रीजन में जाकर वहाँ की कार्यशैली, वहाँ के काम करने की योजना, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, सरकार कैसे काम कर रही है, जनता तक उन सारी योजनाएं पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही हैं, सबका एक दिया गया था और वो खाका अब लगभग तैयार हो चुका है। 100 दिन की कार्य योजना का रिपोर्ट 2-4 दिन में जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आप देख ही रहे हैं क्या कर रही है, काम के नाम पर कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। 100 दिन में कहा गया था कि मंत्री और अधिकारी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें, आज भी तमाम 50 से ज्यादा अधिकारी और मंत्री ऐसे जिन्होंने अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं की, आखिर क्यों? ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ चरम पर है। और काम की समीक्षा क्या होगी, जब काम ही नहीं हुआ तो समीक्षा क्या होगी?
मुख्यमंत्री जी पहले जो उनके पास अपने विभाग हैं उनकी समीक्षा कर लें, उसके बाद वो दूसरों की समीक्षा करें। उत्तर प्रदेश में लोगों को ठगने का काम किया भाजपा सरकार ने, जिसका सबक आगामी आने वाले चुनाव में जनता देखी। सरकार की तरफ से पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है 100 दिनों का वो पेश किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि 100 दिनों में उन्होंने कितना क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लगभग सभी विभागों को, सभी मंत्रियों को पहले ही दी गई थी। ये बताया गया था कि आप अपना पूरा जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड 100 दिन बाद पेश करिएगा, और ये बताइएगा कि आपने कौन कौन सी वो चुनौतियाँ थी जिन चुनौतियों पर आप खरे उतरे और आपने उन चुनौतियों पर बेहतर तरीके से काम किया है। उसी को लेकर के लगातार सरकार की कोशिश और सरकार की मंशा है कि जनता के लिए काम किया जाए, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं जो बातें कह रही है या जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों पर वो खरी नहीं उतर पाई है। वो ये भी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं 24 का जो चुनाव है वो उनके लिए समस्याओं भरा हो सकता है अगर इसी तरह से सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती रही और उस रिपोर्ट कार्ड पर जनता ने भरोसा कर लिया तो कहीं ना कहीं विपक्षियों को भी अब एक अहम जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना धरातल पर काम हुआ है, कितनी स्थिति में बदलाव हुआ है, इसको लेकर के जो विपक्षी दल हैं उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर के बताने की कोशिश करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी कि आखिर अब 24 के लिए क्या रणनीति है, कैसे वो जनता के बीच जाएंगे, कैसे अपनी बातों को रखेंगे, सरकार की कमियों को बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीते दिनों देखा गया कि आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव जो हुआ, दोनों ही समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटें थीं, लेकिन दोनों ही सीटों को समाजवादी पार्टी ने गंवा दिया और बीजेपी ने वहां से जीत दर्ज की। तो इससे कहीं ना कहीं 24 का जो रोड मैप है वो भी तय हो रहा है कि जो 22 के मुद्दे थे और जिन मुद्दों पर आजमगढ़ और रामपुर जैसी विधानसभा सीटों में बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई थी, आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा सीट जो थी वो बीजेपी हारी थी, रामपुर में 5 में से 3 समाजवादी पार्टी जीती थी, 2 पर बीजेपी हारी थी, लेकिन जो 22 के मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं केंद्र का जो चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो संसदीय चुनाव होता है, उसमें वो मुद्दे काम नहीं आते हैं, वो मुद्दे बिल्कुल उलट फेर में तब्दील हो जाते हैं और उसी का ही कहीं ना कहीं एक जो छोटा सा नज़ारा था इस उपचुनाव में देखने को मिला। दोनों ही प्रमुख सीटों पर मुद्दे बदले हुए थे, जनता का मूड बदला हुआ था, विधानसभा से बिल्कुल उलट फेर वाले नतीजे आए जिसका कहीं ना कहीं अनुमान भी समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया था, लेकिन जो नतीजे आए उन नतीजों के बाद साफ तौर पर यह साबित हो गया कि ये जो 24 का चुनाव है ये विपक्षियों के लिए और टेढ़ी खीर साबित हो सकता है 22 के चुनाव के मुकाबले। तो 24 की क्या रणनीति रहेगी, क्या आगे का रोड मैप रहेगा, सरकार के 100 दिनों पर सरकार ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है उस रिपोर्ट कार्ड के जरिए सरकार और कितनी मजबूती से 24 के चुनाव की तैयारी करते हुए नजर आएगी, वो आने वाले दिनों में विपक्ष को और कितना कमजोर करेगी, ये सारी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं इस 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के जरिए जनता के बीच पेश की जाएगी और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अब उत्तर प्रदेश में जनता के सामने सिर्फ एक विकल्प है, वो है बीजेपी। लेकिन विपक्षियों को ये बताना बहुत जरूरी है और वो कैसे बताएंगे, कैसे वो बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार ने जिन योजनाओं के जरिए जनता के बीच जाकर के अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश तो करी है, उन योजनाओं का जनता को कितना लाभ पहुंचा है, उस योजना से जनता कितना रूबरू हुई है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो सकती हैं या फिर कानून व्यवस्था की व्यवस्थाएं या कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है वो हो सकता है, अपराधियों पर किस तरह से लगाम लगी हुई है, किस तरह से रोजगार की दृष्टि को बेहतर किया गया है, महंगाई सबसे अहम मुद्दा है बीते दिनों से लगातार अभी तक चल रहा है, तो इन जैसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं ये सोचना और विचार विमर्श करना सरकार को जरूरी है कि अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, आगे कैसे जो विपक्षी दल हैं वो सरकार की कमियों को खामियों को बताते हुए जनता के बीच जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आगे की क्या रणनीति जनता की रहेगी और जनता किस तरह से सरकार के कामों को देखे।
इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ जाएंगे और उनसे मैं आपको रूबरू करा करके इस डिबेट को शुरू करूंगा। लेकिन मुद्दा बहुत ही अहम है और इन मुद्दे पर चर्चा भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी मुद्दे से कहीं ना कहीं जो 2024 है और उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो विपक्ष जुड़ा हुआ है, विपक्ष की रणनीतियाँ जुड़ी हुई हैं, विपक्ष किस तरह से सत्ता दल को देख रहा है, सत्ता दल के काम को कैसे सराहा जा सकता है, सत्ता दल की योजनाओं के बारे में जनता को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, सत्ता दल विपक्ष को कैसे नस्ता नाबूद कर सकता है, इन सब की जो गुड़ा गणित है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों से ही लगभग शुरू हो जाएगी और कहा जाए तो अभी से ही शुरू हो गई है कि 24 के चुनाव को भी नजर में रखना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे खुद को सक्रिय रखना है ये विपक्षी दलों को सोचना है, और इसके अलावा ये भी जानने की और पहचानने की और समझने की कोशिश है कि सरकार की तरफ से जो चीजें जो योजनाएं जो बातें पेश की जा रही हैं उनमें कितना जो धरातल पर काम हुआ है, कितनी उसमें सच्चाई है, उसको बताने और समझाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी साहब जुड़े हैं, वे आम आदमी पार्टी से, इसके अलावा प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सुशील दुबे जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, और चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी से आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुशील जी आपके पास आना चाहूँगा, बहुत ही अहम मुद्दा है सुशील जी, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रामगढ़ और आजमगढ़ के नतीजे जो हैं, रामपुर और आजमगढ़ के नतीजे जो हैं वो हम सबके सामने हैं। दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस लूज हो गया, वो हार गए, और अब 100 दिन के कार्यकाल को जनता के सामने पेश किया जाएगा, विपक्षियों के सामने क्या कुछ बचा है उत्तर प्रदेश में या सारी संभावनाएं खत्म है? जी बोलिए सुशील जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका शुभ नाम एंकर महोदय? नितिन। नितिन जी, नितिन जी, जी आपने अभी काफी कुछ बताया जी, विपक्ष है कहाँ जी, विपक्ष कहाँ है? बीएसपी ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया और कई मौकों पर सिद्ध भी हो गया कि बीएसपी जो बीजेपी चाह रही है वही हो रहा है। कांग्रेस एक सीट लेके, डेढ़ सीट, दो सीट लेके विपक्ष की स्थिति में है ही नहीं, वो अभी अपना अध्यक्षी प्रदेश 3 महीने हो रहे नहीं तय कर पा रही है। अखिलेश जी और आजम खां वाला विपक्ष आपने देखा परसों ध्वस्त हो गया जी, अपने ही गढ़ में ध्वस्त हो गया। एक तरफ जहां पर मोदी और शाह लोग शाहजी टाइप के नेता लोग लीडर नगर निगम के चुनाव में पहुंच जाते प्रचार करने, वहां पर हमारे ये पड़ोस जो लीडर थे लोग अपने रेट को दिखाने, नतीजा क्या हुआ? जब विपक्षी ही जितवाए दे रहा है बीजेपी को बैठे बैठे, क्या जरूरत है विपक्ष को और अगले 24 की चिंता करने? फिर विपक्ष के साथ साथ हमारे पास ज्ञानवापी भी है, नूपुर भी है, जुमे की नमाज के पत्थर भी है, तमाम ऐसी चीजें हैं कि हम अपने आप आराम से जीत रहे हैं और जीत जाएंगे चुनाव, जीत गए चुनाव, गढ़ में जीत गए, घर बैठे जीत गए, एक ने घर बैठे हरवा दिया, एक ने दौड़ दौड़ के जितवा दिया। देखिए नितिन जी, साइनिंग इंडिया, हृदय तुल्य कार्यकर्ता, देव तुल्य कार्यकर्ता, अमृतकाल, ये शब्दों के माया जाले आडंबर है जी। ये 100 दिन में रिपोर्ट कार्ड देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अरे भाई मंत्री है कोई बाबू थोड़ी है जी, विधायक जीत के आए हैं वो कोई नगर निगम के एलडीए के बड़े बाबू थोड़ी, तो उसके पंचायत की और उसके की वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, रिपोर्ट कार्ड तो जनता दे ही रही है, वो तो मंत्री है तो मंत्री वाला काम करेगी ना जी। और एक चीज आप बताइए, ब्रजेश पाठक जी को छोड़ दीजिए, अरविंद शर्मा जी को छोड़ दीजिए, या शंकर सिंह को छोड़ दीजिए, बाकी इतने मंत्री हैं, कहीं कुछ पता चल रहा है कौन किस विभाग का मंत्री है? बिल्कुल ठीक बात। अब और दूसरी सुन लीजिए आप, रिपोर्ट कार्ड, अब रिपोर्ट कार्ड तो आप लोग देते ना, पत्रकार रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं जी। अभी ब्रजेश पाठक जी किस कदर मेहनत कर रहे हैं,
अभी उन्होंने कुछ दिन पहले छापा मारा था मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, 17 करोड़ की दवाई पकड़ी थी अपनी आंखों के सामने। 3 दिन की नोटिस हुई थी एमडी को कि जवाब दो नहीं तो तुमसे पैसा काट लेंगे तुम्हारे हॉस्टल एजेंसी। 1.5 महीना हो रहा है, एमडी भी वही है, वेतन भी वही है, मेडिकल कॉर्पोरेशन भी वही है, तो ये रिपोर्ट कार्ड तो आपके सामने है ना। दूसरा रिपोर्ट कार्ड 32 हाय हाय पूरे प्रदेश में हाय हाय उसकी मची हुई है कि लोग कैसे आने बत्ती आती, यही बहुत बड़ी बात है। जाति कभी तो छोड़ दो, आती कभी, ये बड़ी बात है जी। तो अब अरविंद शर्मा जी रोज चूज करते, इतने बड़े अधिकारी पीएमओ के रहे, अब वो रोज चूज करते, सबको बताते, विजय जी से पाठक जी सबको चूज कर ऐड करते हैं कि वो हमने आज ये किया, हमने आज वो किया, हमने आज ये किया, यहाँ सफाई कराई, वहां पर UPCCL में बैठ के वहां पर वो। तो अब बताइए, अब बताइए, या शंकर जी रोडवेज की बस में रात में बैठ के लखनऊ से बलिया जाते हैं, अच्छी मेहनत है, ढाबा देखते हैं जी। तो अब रिपोर्ट, अब इसके अलावा कैसे रिपोर्ट कार्ड कर तो रहे रिपोर्ट कार्ड। लेकिन इसमें भी तो कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है, क्योंकि पिछला कार्यकाल भी इन्हीं का था, और अगर वो अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। अच्छा आप बताइए, विकास की बातें, एजेंडे की बातें, अभी अमित जी आपने बताया कि 90-96% काम हो गए, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अरे भाई, अभी परसों एक अपराधी घर में घुस के मार दिया, भले ही वो अपराधी था, गैंगस्टर था, बहुत बड़ा प्यार का अपराधी था, उसके घर में बंधक बना के 3 गार्ड 3 बच्चों पत्नी के सामने बंद करके मार दिया, अभी परी पत्नियों से मार दिया, किसी लखनऊ मार दिया, ये कौन सा गेट के बगल में मोहल्ला, वहां मार दिया। ठीक सर, ठीक सर। दूसरा दूसरा दो बातें और कहती आपसे बात कर, अपनी बात खत्म करूंगा। विकास और रिपोर्ट कार्ड, गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र 5 साल में सड़ गया, 1700 करोड़ की विकास की योजना जो खड़ी हुई है, जो दिख रही है पूरे देश को, वो 5 साल में जांच के नाम पे LDA ने और मंत्री जिसने भी किया हो उसने सड़ा के रख दिया, आज तो झाड़ियां उग रही है। तो ये रिपोर्ट कार्ड कौन देगा जी? आप ये बताइए, ये जो गोमती रिवर फ्रंट जो अखिलेश यादव ने जैसा भी किया लेकिन किया तो CBI और घोटाला और सिंचाई की जांच के नाम पे आज वो 5 साल से वो नदी सड़ रही है, वो रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? लखनऊ का सबसे एक्सीडेंटल एरिया पुराने पारा थाने का 100 मीटर रोड हाईवे 100 मीटर जो मोहन रोड पे है, वो आज 5 साल से वैसी की वैसी पड़ी है, उसका पैच वैसे ही पड़ा हुआ है, लगता ही नहीं कि हाईवे की इंजीनियरिंग है। वहां आप देख लीजिए, और सब जानते हैं, वहां के विधायक जानते हैं, वहां के वर्कर जानते, समाचार जानते हैं, आप सब जानते हैं, 50-100 मीटर रोड हाईवे की बनने में 500 साल से इंतजार हो रहा, पता नहीं किसकी और एक्सीडेंट की उम्मीद है। अब रिपोर्ट कार्ड कौन क्या देगा, कौन रिपोर्ट कार्ड देगा, कितना रिपोर्ट कार्ड? ठीक ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से। प्रदीप जी, सरकार 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है, और अगर इनके रिपोर्ट कार्ड पर अभी चर्चा कर ली जाए या अनुमान लगाया जाए तो इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी और आपकी नज़र में 100 दिन कैसे रहे? देखिए नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उसके मुखिया, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मंत्रियों को विधायकों को सबको टारगेट एक दे दिया है कि आप पेपरों पे ही दिखा पाएंगे, हकीकत में तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि कोई भी 100 दिन हो। 100 दिन क्या, ये तो 100 दिन तब कहते कि आप अगर पहला टेन्योर यहाँ पे बिता रहे होते। आपने पिछले 2017 से लेकर के अभी तक की अगर वर्तमान में देखा जाए तो भाजपा की सरकार ही चल रही है, और भाजपा की सरकार अगर आप 2017 से देखेंगे तो इनके पास काम गिनाने के लायक कोई काम नहीं होगा। हर काम में, जैसे कि आज आप चलते हैं उत्तर प्रदेश की सड़कें नज़र आती हैं, तो हर काम में उसी तरीके के गड्ढे हैं। हर काम इन्होंने कोई भी काम सही ढंग से किया ही नहीं है, कोई भी काम। अगर आप गिनाने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे वो किसानों का मामला हो, किसानों को लेंगे तो गन्ना का भुगतान करना था इनको 14 दिन के अंदर, पिछली बार भी कहा था भुगतान कर देंगे, नहीं हुआ, आपकी बार भी कह के आए थे कि 14 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे वरना ब्याज देंगे, ब्याज तो दूर रहा, भुगतान पता ही नहीं कब मिलेगा। वो बात करें अगर युवाओं की, आते हैं हम युवाओं पे, तो आपने 2017 से लेकर के अभी तक देखा होगा कि कितने पेपर लीक हुए। युवाओं का मेन क्या है, युवा चाहता है कि रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, मगर आप जो भी पेपर कराते हैं वो लीक हो जाता है। मैं लिस्ट गिनाने लगूंगा तो एक लंबी लिस्ट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का पेपर हो, चाहे नलकूप चालक भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, पेट का पेपर हो, टेट हो, बीएड हो, रटे हुए हैं पूरे, मतलब लाइन से आप
देखते जाएंगे। अभी नया कार्यकाल चालू हुआ तो पता चला कि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी लीक करवाए दे रहे हैं, ये युवा हो गया। अब आते हैं महिलाओं की तरफ, महिलाओं की बात कर रहे थे कि हम आकर के तुरंत अभी जो महिलाएं हैं उनको बस में सफर मुफ्त करवा देंगे, वादे किए थे। कितनी महिलाएं बसों में मुफ्त सफर कर रही हैं, बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। और सबसे जरूरी बात, महिला सुरक्षा, जिस जो इनका कह रहे थे कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो 2017 से लेकर के इनका 2022 का कार्यकाल रहा हो, आपने देखा होगा चाहे वो हाथरस की घटना हो, कई घटनाएं ऐसी घटी जो बोलने में भी शर्म आती है। उसके बाद नया कार्यकाल चालू होता है, नए कार्यकाल में ललितपुर में आप भी जानते होंगे उस घटना में कि 13 साल की बच्ची जिसके साथ में गैंगरेप होता है और वो शिकायत दर्ज कराने थाने जाती, तो वहां पे इनका थाना प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार का थाना प्रभारी उस बच्ची के साथ में रेप करता है। तो ये हर स्तर पे, चाहे महिला का स्तर हो, किसानों का स्तर हो, नौजवानों का स्तर हो, हर स्तर पे ये फेल हैं। और 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देने में भी इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसमें जब इस ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे तो बोलते नहीं बनेगा भारतीय जनता पार्टी को। सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। तकी भाई, आप इन 100 दिनों के काम को किस नजर से देखते हैं, सरकार ने कितना बेहतर काम किया? देखिए, जब पहली बार योगी जी की सरकार आई थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, मैं बड़ा आश्वस्त था, बड़ा इस बात से खुश था कि उत्तर प्रदेश का शायद भविष्य खुल जाएगा, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि जो केंद्र में सरकार है वही सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। उत्तर प्रदेश में बहुत विकास होगा, उत्तर प्रदेश में हम जो विकास की गंगा को देखेंगे। लेकिन जो देखने में आया और योगी जी को जो पेश किया गया, डबल इंजन सरकार है, ये कर देगी वो कर देगी, बड़े बड़े वादे, इन्वेस्टमेंट सबमिट की गई, उसमें लोगों को बुलाया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से उसमें फॉर्म भरे गए, जिन कंपनी की हैसियत 10 करोड़ नहीं थी, 5 करोड़ नहीं थी, उन कंपनियों से हजारों करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया गया। कहा गया इतना हम रोजगार उत्पन्न कर देंगे, और रोजगार उत्पन्न करने के दावे सारे खोखले पड़ गए जब कोविड आया, और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा थे, जो लेबर क्लास था, वो पैदल चलने को मजबूर था। प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए 50,000 25,000 5,000 बसें इतनी चाहिए लग जाती हैं, लेकिन जब कोविड के दौरान जब वही मजदूर पैदल चल रहा था परिवार के साथ, तो उसके लिए एक बस का भी अरेंजमेंट नहीं किया गया, और बहुत से मजदूर सड़कों के ऊपर डिहाइड्रेशन में, गर्मी में मर गए, और योगी सरकार का दिल जरा सा भी नहीं पसीचा। और यही योगी सरकार थी जो ऑक्सीजन की कमी बताने पर कोरोना में लोगों के ऊपर NSA लगा रही थी, उनको जेलों में भेज रही थी, और यहाँ आपने देखा गंगा पूरा शववाहिनी हो गई। और ये जो 100 दिन की बात करते हैं, ये 100 दिन की बातें हमेशा करते हैं, इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, डायलॉग बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर आप जाइएगा तो कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ इश्तिहार में इनके मुस्कुराते हुए चेहरे जो हैं वो सिर्फ विकास को बयान करते हैं, और कोई विकास नहीं होता। पहले ये होता था कि बिजली दिन में जो है 5 बार जाती थी, अब इनका विकास है कि बिजली दिन में 20 बार आती है, ये इनका विकास है कि बिजली आती 20 बार है। लखनऊ शहर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां 15 मिनट बारिश होती है, पुराने लखनऊ में 8 घंटे बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, लोग परेशान हो जाते उमस भरी गर्मी से, और अगर इन्वर्टर ना हो तो लोग सड़कों पर निकल आए। ये हाल है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम 24 घंटे लगातार अनइंटरप्टेड बिजली देंगे, सड़कों को भर देंगे। अभी देखिए ट्रामा सेंटर की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश में लोग सड़क एक्सीडेंट से ज्यादा मर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, गड्ढे और हेड इंजरीज हो रही है। हेड इंजरी की वजह से ट्रामा सेंटर में जो न्यूरोसर्जरी के हेड हैं डॉक्टर झा साहब, उनकी रिपोर्ट आई है, उसकी वजह है गड्ढे। इन्होंने गड्ढे भरने के कहा था 100 दिन गड्ढे भर जाएंगे, गड्ढों का क्या हाल हुआ। मुख्य सड़कें जो उत्तर प्रदेश की मुख्य सड़कें हैं, जो लखनऊ शहर की मुख्य सड़कें हैं, वहां गड्ढे हैं। आप हजरतगंज में चलिए, मैं हजरतगंज में आपको दिखाऊंगा के अंदर सड़कें मुख्यमंत्री आवास के आसपास जहां गड्ढे हैं। मुख्यमंत्री आवास के आसपास लाइट नहीं आती, 3-4 घंटे लाइट चलते, जनरेटर चलते रहते हैं और वो प्रदूषण करते रहते हैं। गोमती नदी जो लखनऊ के अंदर है, अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साहब ने जिक्र किया था रिवर फ्रंट का क्या हुआ, उसमें ना घोटाला निकाल पाए, ना उसको प्रूफ कर पाए, ना उसी परियोजना को आगे बढ़ा पाए। उसमें था पूरा गोमती कवर की जाएगी, पूरी गोमती कवर नहीं करेगी, गोमती का लेवल जो है पानी कम हो गया है, गोमती में जलकुंभी हो गई, इतना पोल्यूशन हो गया है, और हमारे लोगों ने उसके खिलाफ जो है, हमें अमित चोपड़ा जी ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, उसको साफ करने की बात करी। लखनऊ में इन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन निकाला था, जल जीवन मिशन, आपको याद होगा लाखों करोड़ों का मिशन था, उसमें लाखों करोड़ों का घोटाला भी हुआ। जल जीवन मिशन के बाद भी लखनऊ के मुख्य मोहल्लों में पानी नहीं मिल पा रहा है, आज लखनऊ के मोहल्लों में टैंकर से पानी जाता है, और इन्हीं के निर्वाचित नगर निगम के जो वो सभासद हैं वो उसके खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन धरना देते हैं और ज्ञापन दे के आते हैं। तो बीजेपी की जो बातें हैं वो सिर्फ पेपरों में, चमकीले पन्नों में, इश्तिहारों में, मुस्कुराते हुए फोटो में दिखाई देता है, जमीनी हकीकत पे वो नदारत है, वो गायब है, बिजली की तरह दिन में 20 बार वो आता है। ठीक है, मैं आता हूँ। तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से।
चौबी जी सबकी बात सुन लीजिए, फिर आ रहा हूँ आपके पास। तारिक भाई आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, हालांकि आजमगढ़ और रामपुर आप हारे हैं, और सुशील जी ने भी साफ तौर पर एक चीज का जिक्र किया कि आप लोग अपनी गलतियों से हारे हैं, क्या कहना? अब देखिए चुनाव तो हम हार ही गए, वो तो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि वो हम हारे, उसको एक्सेप्ट किया जा चुका है। देखिए जो इनकी अब नई बात आई है कि जो टारगेट है, वो इससे पहले की बात बता दूं, अभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि सारे चीफ मिनिस्टर आएंगे और अपने अपने विभाग के जो कार्य योजनाएं बताएंगे। अभी भाजपा के भी प्रवक्ता होंगे, मैं नाम चाहता हूं उन लोगों का कि कितने मंत्री आए और उन्होंने अपने विभागों के बारे में बताया कि हम ये करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपने विभाग के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। बहुत सही बात कही अभी एक प्रवक्ता ने कि दो चार मंत्री छोड़ दें तो अभी वो अपना मंत्रालय ही नहीं समझ पाए। मुख्यमंत्री ने क्यों कहा था कि वो हाँ हाँ सीनियर जर्नलिस्ट थे, बहुत सही बात कही उन्होंने। अच्छा अब आ जाते हैं, अभी दिनेश उन्होंने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पाठक जी ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मेडिकल कॉलेज 16 डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यह है कि उसमें प्राइवेट प्लेयर भी आएगा, वो प्राइवेट प्लेयर अपना लगा हुआ पैसा निकालेगा या नहीं निकालेगा। अगर निकालेगा तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पीएससी बनाने की भी बात की गई है कि पीएससी प्राइवेट प्लेयर आके बनाएगा, तो क्या पीएससी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े प्लेयर हैं वो लोग आके बनाएंगे? और बनाएंगे अगर तो अपना पैसा निकालेंगे, तो क्या रूरल एरियाज में चार्जेस करेंगे या मेडिकल कॉलेज के चार्जेस बढ़ जाएंगे, ये जरूर बताए सरकार। और एक बात ये भी बताए कि जितने इनके कितने मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, कितने मंत्रियों ने टारगेट, और यह भी इन्होंने कहा था कि जिले में जाएंगे और जिले की समस्या सुनेंगे। कितने लोगों ने सुना? मैं बताता हूं क्यों नहीं सुना, बड़ी खास वजह नहीं सुनने की। आप चुनाव लड़ा रहे थे, आप आजमगढ़ में थे और आप रामपुर में थे, लोकसभा का चुनाव स्टेट गवर्नमेंट से क्या मतलब, आप तो सरकार चला रहे हो ना, लेकिन आपका ध्यान सारा दोनों जिलों में था, आपके सारे मंत्री वहां पर दिन रात लगे थे 20-30 दिन से, तो कहां से सरकारी काम होगा? ठीक है, ठीक। अभी दो चार आप बाई इलेक्शन करा दीजिए अगर, मैं कह रहा हूं तो इनकी व्यवस्था इतनी बढ़ जाएगी कि ये शायद अपने मंत्रालय का नाम भी भूल जाएं। ठीक, ठीक है, मैं तो सीट जीत लीजिए उसकी मुबारकबाद है, लेकिन सत्ता उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में असेंबली स्टेट असेंबली इलेक्शन में आपको जनहित के काम करने के लिए दी गई थी, वो शून्य एकदम कुछ नहीं दिखाई देता है। एक कार्य योजना बता दीजिए जो 100 दिन में बनाई हो, अच्छी पॉलिसी, अभी तो पॉलिसी बनाने का टाइम था, ये इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अरे इंप्लीमेंट बाद में करिएगा, पहले एक अच्छी पॉलिसी का नाम बता दीजिए उसका जो लेके आए हो, और उससे ये लगे कि इससे जो जनहित की रुकी हुई गाड़ियां हैं या जो रोजगार है, वही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ बातें हो रही हैं, बस इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करती है और बातें करती है आके। इन्होंने कहा था मंत्री इनके आए नहीं, प्रेजेंट किया नहीं, कहा था प्रेजेंट करेगा पूरा, मुझे तो लग रहा था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, मैं बैठ के ताली बजाऊंगा कि वाह भाई वाह, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री भी इतने अच्छे हो गए कि भाषण के साथ साथ, भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन भाषण के साथ साथ अपने विभाग का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देने लगे, मैं तो दिल से खुश हो जाता। ठीक है, और मैं तारीफ भी करता। देखिए मैं पार्टी की बात अलग है, पार्टी का तो स्टैंड रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता, लेकिन जिस टाइम मुख्यमंत्री ने कहा था मैंने तभी बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक, और नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। चौबे जी आपने सबकी बात सुन ली, विपक्षी दल तो आपसे नाराज हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, सुशील जी भी इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने भी काफी कमियां जो है आप लोगों की गिना दी, उन्होंने ये भी कह दिया कि बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनको अपने विभागों के बारे में पता तक नहीं। देखिए नितिन जी, किसी भी सरकार का या किसी भी परिवार का या किसी कंपनी का, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सही रूप से आगे चलाने के लिए एक योजना रचना बनाई जाती है, और उस योजना रचना में स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य को रखा जाता है, प्राथमिकता के आधार पर कि कौन से हमारी क्या प्राथमिकता है, कितने दिनों की ये प्राथमिकता है, यानी पूरे ये जैसे 5 साल का अगर लक्ष्य है, किसी का होता है 10 साल का, किसी का जो है 2 साल का, मान लीजिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसी के अनुसार वो अपनी योजना रचना करता है। अगर टारगेट है तो क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, तो सरकार आदरणीय योगी जी की 5 साल जो हमारी सरकार चली उसमें भी जो है
हमारा लक्ष्य था कि किस प्रकार से क्या करना है। उस समय सबसे पहले सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि जंगल राज जो मिला था वो जंगल राज मिला था। हर जगह थानों में देखिए घुस घुस के लोग मारते थे, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं थे। यही हजरतगंज चौराहा हुआ करता था कि पुलिस पे जो बोनट पे बैठा कर पुलिस वालों को चौराहे पे घुमाया जाता था, उनको मारा जाता था। आज चाहे वो आप आज रामपुर देख लो, बीच में रुक जाइए, आप रुक जाइए रुक जाइए, आप नहीं तो आपके शासन काल में कौन सा पुलिस व्यवस्था। अरे राहुल बाबा को कहां ले आए भाई इस तरीके से? अरे ये राहुल गांधी जी को कहां ले आए व्यापारी की हत्या? अरे भाई आप पप्पू जी को कहां ले आए भाई? ये पुलिस वालों ने परिवार की हत्या कर दी। अरे आप किसको बुलाए हैं भाई? किसको बुलाए हैं? क्या पप्पू को कहां बुला दिए? जो दिल्ली वाले तो नहीं बोलिए भाई, पप्पू पप्पू जनता के लिए कोई काम नहीं करेंगे, बीच में आप करते रहेंगे की गुलामी कर करके देश में पत्नी के बारे में काम कर रहे हैं। एक खाई छोड़िए रहेंगे, काम आप कर रहे हैं। जो कुश्ती के दंगल में गए भी नहीं, पहले ही भाग गए कि हम नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही होगी तो कह रही होगी बताइए ये जो है हमारे कहां चुनाव लड़े, लड़ेंगे नहीं। सुनिए तो चुनाव लड़ तो रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, क्या है? सड़कों पे उतर रहे, कभी अपने जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क पे नहीं उतरे। लेकिन जो जमानत पर है, जो बार बार जमानत सुप्रीम कोर्ट में भी लिखित रूप से माफी मांगे आरोप लगाकर और माफी मांगे, उनको बचाने के लिए ये नहीं बता रहे कि संपत्ति कहां से कहां पहुंच गई, लाख में थी वो कई करोड़ में पहुंच गई, उसके बारे में ये नहीं बता रहे हैं। बढ़ गई भाई, अरे पूरी जनता बता रही है। चलिए ठीक है, छोड़िए अंबानी भाई, इसको कहां से इनको भी बताना, हम जनता से बात कर रहे हैं, बताइए ना, बताना चाहिए जनता को ही, बताइए जनता जान रही है, आपको बताना चाहिए। जनता नहीं तो जनता ही तो जान रही है कि आप मैदान छोड़ के भाग गए। नहीं जनता जान रही है कि कैसे आप महाराष्ट्र में खेल कर रहे हैं, कभी अमेठी से भाग गए। जनता देखिए नितिन जी, इनके इनको और इनके नेताओं को, इनके सबसे बड़े नेता को जनता जान गई थी। और इसीलिए जो जनता ने जहाँ की अमेठी के युवराज बनते थे स्वघोषित, तो उसको अपना राजघराना समझते थे, जनता ने उठाकर फेंक दिया। चलिए कांग्रेस की बात हो गई चौबे जी, आम आदमी पार्टी और सपा भी कह रही है। अरे देखिए अब समाजवादी पार्टी, हमने कहा तो आपसे कि इन्होंने क्या दिया था, अभी इन्हीं की तो विशेषता हम बता रहे थे, पता नहीं हमको लगता चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, दर्द इनको हो गया। दर्द अभी हम जनता अभी चौराहे की बात देख लीजिए पे गोली मारेगी, दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, चोर चोर नहीं होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत चरितार्थ हो रही है, बच्ची का रेप कर देख लीजिए चरितार्थ जनता पार्टी। अरे ये राजस्थान भैया कहां, सरकार पाकिस्तान में है, उसको अमेरिका में भेज रहा है। हाथरस की घटना आप भूल जाते हैं, राजस्थान कहाँ है? हाथरस में कहते हैं आपकी पुलिस के द्वारा बच्ची को पटाखा डलवा के दबा दिया गया था, आप भूल जाते हैं घटना है। इनसे जरा ये पूछिए कि ये राजस्थान जो है ये अमेरिका में है या जो है इंग्लैंड में है या ऑस्ट्रेलिया में है या पाकिस्तान में है? आपको पता 6-6 साल की बच्चियों के साथ हनुमान प्रधानमंत्री जी वो विदेश टूर पर रहते हैं, सरकार किसकी है? विदेश टूर पर रहते हैं, चलिए देश के लिए तो उनके पास समय है नहीं, उनसे पूछिए बताएंगे कि कहां पे क्या है, उनसे पूछ लीजिए बता देंगे आपको, देखिए अच्छी जानकारी देंगे। इनके पास जब तर्क खत्म हो जाते हैं, तर्क नहीं आपको तर्क कर रहे हैं, आपने एक योजना नहीं बताई, कुछ किया तो है नहीं, बस जंगल राज खत्म करना है तो बैठा दिया भाई, योजना बताइए आप किसको बैठा दिए भाई, किसको बैठा दिए भाई आप? अरे बोलने वाले को बैठाइए प्रदीप भाई, ऐसे आदमी को कहां मैं बोलता रहा हूं कि ये एक 50 साल का पप्पू, और बताइए पप्पू पप्पू ही नजर आ कमेंट कर रहे हैं भाई, अरे हम क्यों नहीं कहेंगे बीच में दूसरे के बारे में जो बोलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनके बारे में हमने टीका टपड़ी की? आप ठीक है, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। हाँ तो आप जी तो मुद्दे पे तो बात कर रहे थे, हम तो पूरे अपना काम बता रहे थे कि शुरुआती 5 सालों में क्या किया, एक योजना होती है, योजना रचना के अनुसार आगे बढ़ा जाता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा डाला बिल में पानी, बिल बिलाकर सब ये बाहर निकल आए। और सबसे ज्यादा दर्द इनको इसलिए होगा कि सबसे ज्यादा देश पे शासन, प्रदेश पे शासन इन्होंने किया है। आज देश की जो भी हालत है या जो भी पिछड़ापन है,
अभी तक जहां हमको पहुंचना चाहिए था, जहां अन्य देश पहुंच गए, चाहे हमारा चीन हो या अगल बगल सिंगापुर हो या अन्य, जहां वो पहुंच गए, हमारे साथ उन लोगों की अगर दौड़ देखी जाए वो आगे पहुंच गए। तो लेकिन नहीं, आपकी कमियां तो सही है, तकी भी बता रहे ना वंदी पाटिल। अरे तो हम बता, अरे फिर वो बताए तो हम अपनी अच्छाई तो बताने दीजिए। ये तो जानते सिर्फ हल्ला करना, ये सिर्फ रोड पर निकलेंगे और जनता इनको जवाब दे रही है। रामपुर में गए थे, आजमगढ़ में गए थे, और आम आदमी पार्टी को संगरूर में, संगरूर आपने आपने देखा वर्तमान मुख्यमंत्री जी का, तो देखिए जनता, देखिए जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है। जनता नहीं भूल सकती कि ये उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, जनता जनार्दन नहीं भूल सकती डीएसपी के साथ क्या हुआ था, यही सीएमओ को एक एक महीना घर में बांधा गया था वो नहीं भूल सकती, यही लखनऊ का आसियाना थाना है जब वहां का एक मंत्री और वहां के कार्यकर्ताओं ने आसियाना थाने में घुसकर सिपाहियों को मारा, वो वहां जो है टेबल कुर्सी तोड़ा, ये जनता यहाँ की नहीं भूली है, वो जनता जान रही है किस। तो देखिए योजना रचना के अनुसार आपको याद होगा, यही जब स्वास्थ्य के मामले में, जब जैसी सरकार हमने संभाली थी, जैसे कानून व्यवस्था के मामले में, उसी तरह स्वास्थ्य के मामले में आपको याद होगा गोरखपुर की घटना, आपको काला ज्वर याद होगा, एक छोटा सा जापानी इंसेफ्लाइटिस, सुन लीजिए, सवाल नहीं, सवाल मेरा नहीं, सुशील जी का। सुशील जी ये कह रहे थे कि आपके बहुत से मंत्रियों को नहीं पता कि उनके विभाग भी कौन से हैं, उनको कुछ खबर ही नहीं रहती है। नहीं देखिए, अब सुनिए, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें कई मंत्री, जैसे मान लीजिए जैसे ब्रजेश पाठक जी हैं, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, ये पहले भी रहे हैं, ठीक, कुछ नए बनते हैं तो वो है। और रही बात जब मुखिया सही होता है ना, जब मान लीजिए घर का मुखिया सही हो, जब वो अनुभवी हो, जब वो काम करने वाला हो, वो जो जो है 22 घंटा 20 घंटा लगातार काम कर रहा हो, अरे भाई अब सुन लीजिए ना, हमने तो आप हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं आपको जो है। अरे स्वास्थ्य जरा पूछिए, स्वास्थ्य मंत्री इनके जेल में है, दवाएं खरीदी गई थी, वो सारी दवाएं जो है बीजेपी की सरकार में, वो जेल में नहीं, ईडी के अंदर है, ईडी केंद्र सरकार जो कर रहा है, ईडी ने 8 साल पहले मुकदमा किया था, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए, जब उनको हिमाचल का प्रभारी बनाया गया तब आप लोग एक्टिव हो गए, आपको हिमाचल में डर डर जताने लगा, आपने ईडी का हर व्यवहार एजेंसी का इतना दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, पूरे 10 सालों के अंदर दो दो स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, सबसे ईमानदार पार्टी, सबसे डंका पीटने वाली पार्टी, और उसके दो दो वर्तमान मंत्री जेल में हैं, और ये बात चल रहे हैं पुलिस का, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीजेपी ने किया वो रिकॉर्ड, प्लीज ठीक है, ठीक है, हो गया भाई, ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं, हो गया पंजाब ने किया, ठीक है, हो गया, हो गया, आप लोगों का अच्छा पूछिए, हो गया आप लोगों का, और जो बदकार होता सुनिए, ठीक है, प्लीज, हो गया, हो गया, कम ये कर तो जेल में डाल देते हैं, ठीक, आप तो ठीक है, प्लीज, हो गया आप लोगों का, हो गया भाई, हो गया, हो गया आप लोगों का, आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे, ठीक है, थैंक यू, मैं आऊंगा आप लोगों का, मैं आज ही बोला था, ठीक है, सही, आपने ऐसे लगा दिए लोगों को, झूठे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको डाटा एक तरह से लगाने का क्या चुके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तकी भाई, ठीक है, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, मैं चौधरी जी, नहीं नहीं सुनिए, बात इनसे पार्टी ने किया है, बोल रहे हैं पूरे 70-72 सवाल करिएगा कि पंजाब में भाजपा की सरकार है ना, दिल्ली में भाजपा की सरकार है ना, वहाँ के दोनों जगह के स्वास्थ्य मंत्रियों का क्या हाल है, किस प्रकार से बच्चा जेल में गए, इनकी समस्या बोल रहे हैं, ये सुचिता की सुरक्षा की, आप आदमी को जलाते हैं, पंजाब में इन्होंने दंगा कराना शुरू कर दिया, ये आए हैं बात करने, ठीक है, मैं आऊंगा आप लोग के पास, पीछे ईडी को लगा देती है, ठीक है, प्लीज, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को लगा देती है, अरे मोदी जी याद है, अमित शाह जी याद है, क्या क्या हुआ था, लेकिन वो सब सोना, ठीक है, ठीक है, चमक कर बाहर निकले, भाई हो गया, चमक कर बाहर निकले, सोना तप कर और चमकता है, और आज दोनों लोग चमक, भाई हो गया, प्लीज, लोगों को क्या क्या भला करने के लिए, ठीक है, ठीक है, तकी भाई, ठीक है, बताइए, सुशील दुबे जी, चौबे जी ने काफी कुछ बताया कि हम लोगों की क्या योजना थी, क्या था, क्या नहीं था, आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे, नितिन जी, जी आपको भारी बधाई, साधुवाद, क्यों सर, आप इतने वीर भारतीय प्रवक्ताओं के बीच में 20 मिनट से सुन रहे थे, समझ रहे थे, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं सुन पाए लोग बोल क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम्हारे चौबे जी, लेकिन चौबे जी ने संघर्ष अच्छा किया, बताइए इतने बड़े चैनल, चौबे जी को धन्यवाद, उन्होंने अच्छा संघर्ष किया, नितिन जी प्राइम टाइम बड़ा चैनल है, इसमें तीन बड़े पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, चौथी सत्ता की पार्टी के सज्जन बैठे हैं, जी। और ये लेबल है, अरे भाई
की लेवल है बातचीत का, कोई समझ पाया होगा जो देश के लोग देख रहे होंगे वो क्या समझ पाए होंगे कौन क्या कह रहा है। कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो समझदारी और मर्यादा का परिचय होना चाहिए ना भाई। हमने बात कही आप देखिए, हमने एक मिनट किसी 20 वर्ष तक ये हाया हुई है, मैंने एक शब्द नहीं बोला। सवाल हमारा इस बात का है, ठीक है चौबे जी ने बड़ी अच्छी बात करी और सबने अच्छी बात करी, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। अच्छा देखिए अब बात आई नितिन जी की, 3 महीने का क्यों हम वो हिसाब से, जब पिछले पूरे पांच साल का योगी जी के रिपोर्ट कार्ड को जनता ने ही पूरे पास कर दिया पूरे नंबरों से, तो ये 3 महीने का ये काहे के लिए करना। भाई योगी जी का रिपोर्ट कार्ड हम इस बात के लिए बधाई देते हैं योगी जी को कि उन्होंने प्रदेश से ध्वनि प्रदूषण खत्म कर दिया, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब नीचे एक आधे के नीचे उतर के आ गए। लखनऊ से ई रिक्शा बंद कर दिए, पूरे प्रदेश में अवैध बस अड्डे खत्म कर दिए, हो सकता है उसके बाद वो अवैध बस अड्डे बैग में बदल के जीप सबके आपस में हो जाए, होगा ही होगा, कब तक वो रुका रहेगा, पैसा किसको बुरा लगता है। लेकिन योगी जी ने किया, योगी जी ने माफियाओं को, बेशक ये जो रिपोर्ट कार्ड जारी होता है कितने हजार करोड़ संपत्ति अटैच कर ली, कितने हजार करोड़ संपत्ति अटैच कर ली, बेशक इसमें तो वो पूरे के पूरे नंबर पर है, बेशक दहशत उनकी है, बेशक उनका इकबाल भी है, उनकी सत्ता का एक वो भी ऑरा भी है, लेकिन अभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड और मंत्री को ऑरा बनने में अभी बड़ा वक्त लगेगा। और फिर इनके मंत्री अपने दम पे कहाँ है, इनके मंत्री तो योगी मोदी शाह के दम पे है ना, इनके मंत्री तो ज्ञान बापी और उसके राम मथुरा और इसके दम पे है ना, राम मंदिर के दम पे, उनके अपने दम पे कौन से मंत्री, अपने दम पे मंत्री हो तो मेहनत करें, दौड़ भाग करें, अपना रिपोर्ट कार्ड खुद लेके खड़े हो जाएंगे, योगी जी मेरा ये रिपोर्ट कार्ड है, मांगने की जरूरत क्या होती है। फिर बात करना नितिन जी, जो मंत्री काम करते हैं अभी यही दिख रहा है कि योगी जी काम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अभी कुछ दिन पहले डीजीपी हटे सिंगल जी, मुकुल गोयल जी, सॉरी गोयल जी, उसके ऊपर आरोप लगा कि अग्रबल है और पता नहीं कौन सोची और बड़े आरोप लगा। डीजीपी उत्तर प्रदेश का अग्रबल है तो रहा लाया क्यों गया, और लाया गया तो उसके अंदर रखा क्यों गया, जरा सी बात पे अग्रबल बता दिया। डीजीपी अगर अग्रबल है तो इसका मतलब 2 साल पूरी पुलिस फोर्स अग्रबल रही, तो इस ये रिपोर्ट कार्ड से खुद ही बताते हैं इस टाइप की एक नहीं कई चीजें हैं। आप बताइए क्यों 27 आईएएस अभी आईपीएस और आईएएस अभी तक अपने वो नहीं दिए हैं, जबकि योगी जी कितनी बार कर चुके हैं अभी तक नहीं दिया है, और किसकी दम है जो ले ले, नहीं उनको नहीं देना हो तो नहीं देंगे, और जिन्होंने दिया उनकी भी जांच कौन करेगी, सही है गलत है क्या है क्या नहीं है। देखिए एक ये है कि अभी वो देखिए वो रिपोर्ट कार्ड तो आप ही दिखा दिया नितिन जी, अभी प्रतापगढ़ में 100 करोड़ 2-4 लाख का नहीं है, देखो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल और रेजिडेंशियल का वो बन रहा है, तो एक विधायक ने अंगूठा छू दिया, हथेली छू दी, 9 इंची दीवार गिर गई, पहले उसके ऊपर पता नहीं मुकदमा सुना हुआ है क्या हुआ है सरकारी काम में बाधा का, तो ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये आपको दिखाई दे रिपोर्ट कार्ड, 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और उसमें हॉस्टल और रेजिडेंशियल बन रहा था, मतलब बच्चे रहते कुछ दिनों बाद, तो मिट्टी से नहीं जोड़ा है। तो ये रिपोर्ट कार्ड आप दिखा रहे हो, जनता दिखा था, दूसरी बात लेकिन इसको रिपोर्ट कार्ड नहीं, इसको पोल खोल कार्ड कहते हैं सर। अब नाम नितिन जी इसी बात प्राइम टाइम जिंदाबाद, यही तो पोल, यही पोल कोल कार्ड है। अब ये अभी तक ये खबर आती कि उस विभाग का चीफ, उस प्रोजेक्ट का चीफ अभी तक सस्पेंड होके खड़ा होता कटघरे में, तब तो बात समझ में आती कि रिपोर्ट कार्ड ये योगी जी का रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट भाई रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड ये होता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहाँ पर जन सेवक ने काम नहीं किया, हमारे मंत्री ने भाई खड़ा कर दिया, खत्म कर दिया, सारे वही अधिकारी हैं, सब चीफ वही है, सारे काम वैसे ही हो रहे हैं, तो काहे कर पास जो जनता की सुविधाएं और जनता की चीजें वो अधिकारी कर रहे हैं, और जो सार्थक मंत्री है, जो परिश्रमी मंत्री है, जो मेहनती मंत्री है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक सर, ठीक सर। चौबे जी बड़ा गुस्से में है, क्या बात है? नहीं गुस्से में नहीं है, बिल्कुल नहीं गुस्से में क्यों होंगे, गुस्से में कारण क्या है, जनता का साथ हमारे साथ है ही, मुख्यमंत्री जी आदरणीय हमारे काम कर ही रहे हैं, हमारे जो है मंत्री जिनको जो काम मिल रहा है उसमें वो जा रहे हैं, जिलों में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं,
देखिए हमारी पार्टी के ही ऐसे मंत्री हैं, यानी आप फिर आप कहिए कि 5 साल से आप लगातार देख रहे हैं कि मंत्री जो है लगातार जीतने के बाद और लगातार जीत मिल भी रहा है उसके बावजूद भी वो जाते हैं जनता के बीच में, उनको संगठन के द्वारा, सरकार और संगठन में तालमेल है, संगठन के द्वारा उनको लोगों के बीच में भेजा जाता है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए। त्वरित वहाँ पर कोई ऐसी है, अगर त्वरित कार्रवाई हो सकती है तो उसका निदान भी होता है, और अगर दोषी अधिकारी है अगर वहाँ पर तो उस पर कार्रवाई भी हो रहा है जांच। और देखिए किसी के ऊपर त्वरित कार्रवाई का मतलब त्वरित होता है, बिल्कुल वो नहीं। एक सवाल हम जांच क्या विनम्रता से एक सवाल स्वामी जी से ले सकते हैं? जरूर 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 सर जरूर। स्वामी जी आपसे निवेदन है कि ये बता दें कि वो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो स्वास्थ्य विभाग को सप्लाई करता है, आपका ही सरकारी कॉर्पोरेशन है, ब्रजेश पाठक जी ने मेहनत करके 17 करोड़ की दवाई एक्सपायरी पकड़ी, 3 दिन का नोटिस दिया था, 2.5 महीना हो रहा है, उसमें किसके ऊपर कार्रवाई हुई? तीसरा दूसरा सवाल ये है कि ब्रजेश पाठक जी, दया शंकर जी और अरविंद शर्मा जी के अलावा चौथा नाम बता दीजिए मंत्री का तरफ से। नहीं नहीं, नहीं देखिए अभी हमने आपसे क्या कहा कि कुछ कार्रवाइयाँ होती है जो त्वरित हो जाती है, लेकिन कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसकी थोड़ी जांच प्रक्रिया होती है। डिप्टी सीएम ने सामने पकड़ा है, बैठ के पकड़ा है। जी जी जी, उसमें उनसे उनसे जवाब भी मांगा गया था कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या दिन कारण है, है। जी उसके बाद तो, फिर एक एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के देखिए ये चीजें जो है, देखिए आपसे क्या कहा कि ये सरकार की जो है बात बता सकते हैं, हम संगठन के हैं, लेकिन एक किसी भी नहीं, आप प्रवक्ता हैं। नहीं नहीं, आप चौबे जी इसलिए आप गिना रहे थे तो इसका जवाब भी आप प्रवक्ता हैं माननीय सत्ता पक्ष के। नहीं नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने क्या कहा आपसे कि हम संगठन के प्रवक्ता हैं और या पार्टी के नेता हैं, लेकिन अब कुछ सरकार के प्रवक्ता भी हमारे मंत्री में बनाए गए हैं, वो इन सब चीजों को बताते हैं। और रही बात रिपोर्ट कार्ड की, देखिए 4 जुलाई को अभी तक क्या हुआ, किसके ऊपर क्या आरोप लगे, क्या जांचें हुई, क्या हमारे लक्ष्य निर्धारित थे, उस लक्ष्य के कहां तक पहुंचे, ये 4 जुलाई को प्रत्येक जिले में सभी लोग मंत्री अपने अपने विभाग के बारे में या उससे संबंधित लोग जानकारी देंगे। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा समय कम है, सही तक की क्या कह रहे हैं, जल्दी से बात करिए। एमएलए हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था थोड़ा जल्दी से, और जब इनका विरोध हो रहा था तभी इन्हीं के इनके एमएलए ने, इनके नेताओं ने वहाँ गांव में जाना बंद कर दिया था, वहाँ जा नहीं रहे थे, इनका विरोध हो रहा था। और सबसे ताजुब की बात ये, जहाँ ये नहीं जा पाए लखीमपुर में वहाँ भी जीत गए, तो इनको वहाँ जनता में जाने की जरूरत क्या, जब बिना जनता के बीच जाए जीत जाते हैं? नहीं तो जब इनको कला आती है, तो जनता इनको कला आती है भाई, जनता के बात संवाद किए बिना, जनता से बात किए बिना ये जीत जाते हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, जीत जाते हैं। अब देखिए उसमें उसमें देखिए जाते हैं, उसमें उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें नहीं उसमें वीर का नहीं 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 उसमें विपक्ष की गलती है, उसमें विपक्ष की गलती है कि विपक्ष कहीं नहीं जा रहा है। अरे आपने सुनिए, आप जनता आपकी जनता के मुख को ठग के भी, जनता के मुद्दों को दबा के भी जीत जाते हैं। इन्होंने विचित्र कला सीखी हुई है। ठीक है ठीक है, हां मैं चौबे जी चौबे जी चौबे जी चौबे जी ने बोला भी है, ठीक है ठीक है भाई ठीक है, आप बात आगे, प्लीज समय कम है प्लीज, ठीक है मैं आऊंगा। चौबे जी सवाल एक और ले लीजिए, प्रदीप तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। हां प्रदीप, देखिए जैसे भी हमारे बड़े भाई चंद्रमोहन जी ने बोला कि चुनाव जीत रहे हैं और अमेठी से हार गए और चले गए, मैं अब राहुल जी तो अमेठी से हार गए, जनता ने उन्हें नहीं दिया वोट और हरा दिया, ठीक है समझ में आता है। आपने ऐसे व्यक्ति को जो उस समय उप मुख्यमंत्री था और अपनी सीट से चुनाव हारता, फिर से आपने जनता ने जिसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने उसको फिर से जनता के ऊपर थोप दिया उप मुख्यमंत्री बना करके। दूसरी चीज, आप बात कर रहे हैं कि अभी 2 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुआ, रामपुर और आजमगढ़, आपको कितनी प्रतिशत जनता ने वोट दिया और कितने ने आपको नकार दिया? 58% जनता ने आपको नकार दिया वहां पे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 58% प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है, आप ये भूल जाते हैं। आप ये तो कहते हैं ठीक है, देश में और प्रदेश में मानना पड़ेगा, भाजपा ने अगर दिया है रिपोर्ट कार्ड में, अगर कभी भी लोग इसको याद करेंगे, चाहे वो 100 दिन का हो, चाहे इनके 5 साल का हो, या भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, तो देश में इन्होंने नफरत की राजनीति बोने का काम किया है और देश में एक बड़ी खाई पैदा करने का काम किया, जिसको हमारी आने वाली नस्लों को भरने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, ऐसा काम करके जा। तारिक खान कोई सवाल जल्दी से बोलिए, मैं फिर चौबे जी के पास चलूंगा। मेरा था उसका जवाब भी मिला नहीं, बोलिए। जी जवाब तो मुझे मिला नहीं, मगर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कार्रवाई में त्वरित, अभी अगर कहीं पर बुलडोजर चलाना हो तो उसमें रातों रात कागज बन जाते हैं, लेकिन जो घोटाले होते हैं उसमें प्रक्रिया पूरी फॉलो की जाती है। ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी का। एक धर्म विशेष का अगर घर गिराना हो तो कागज दो एक रात में, एक सेकंड में, एक घंटे में, एक मिनट में तैयार हो जाते हैं कि उसने गलती की थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहीं पर आप ही का उप मुख्यमंत्री कोई घोटाला पकड़ता है तो उसमें प्रक्रिया चल रही है, उसमें बातें चल रही हैं, उसका जो तरीका है प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड गलत। ठीक, चौबे जी जवाब दीजिए सबके। नहीं देखिए, अभी जो है तकी जी ने कहा कि ये जनता पता नहीं कैसे इन इनको वोट दे दे रही है, ये जनता को कैसे कर ले रहे हैं, कैसे समझा ले रहे हैं, ये जो है बैठे बैठे तो जनता के बीच जाते नहीं, बारे में नहीं बोला। जवाब देने दीजिए, देखिए सर ये गलत बात है, ये देखिए गलत बात है, जवाब देने दीजिए। तो इस प्रदेश की जनता भी सुन रही है, जनता जनार्दन हमारी सुन रही है इनकी बातों को। क्या ये उनके विवेक के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए इन्होंने? क्या हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का विवेक शून्य है? उनकी सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि वो जो है ऐसे लोगों को चुन ले रही है? लेकिन देखिए, ये उनका विवेक सुनता नहीं है, विवेक सुनता ये लोग हैं जो जनता की नब्ज को ये नहीं पकड़ पा रहे हैं। जनता के लिए क्या किया बताइए, जवाब तो दे दीजिए। नहीं भाई ऐसे, ठीक है प्लीज, चौबे समाप्त होने वाली है, एक भी काम नहीं बताया। ठीक, चौबे जी जवाब दे दीजिए, आप बोल ले तो आगे बोलने नहीं दे रहे हो। ये उठाने लुठाना नहीं, आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हो ना, आप बोलने नहीं दे रहे। ठीक है चौबे जी, प्लीज लोग आप बोलने दे रहे हो। चौबे जी देख लीजिए, अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हम लोग के बीच बैठे और उन्होंने अभी यही बात कहा था कि इन लोग जो है बड़े दलों के लोग हैं और किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, इन लोग क्या बोल रहे हैं हम नहीं सुन पाए। उसके बावजूद भी देख लीजिए इनका आचरण, और आपने हमारा आचरण आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला और मार्दित भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन हमारी सहनशीलता और हमें जो सिखाया गया है, हमें हमारी जो पार्टी में जो सिखाया गया है अनुशासन, वो हमने पालन किया। दूसरी बार भी अगर हमने बोला तो ये हमारे बीच में बोले, तब हमने उस बीच में बोला, अन्यथा जो है हम अपने जो है हमने जो है का प्रयोग हो गया। अरे चौबे जी बता दीजिए, आप लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, आप लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, समय भी कम है, अरे समय भी कम है, जवाब तो देने को बोलते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे बोलने तो दीजिए भाई, ठीक है थैंक यू, आप हो गया भाई, अरे बात आ गई आप लोगों की, चौबे जी जल्दी से बात करिए। अरे ठीक है बोलने दो, हमने सहन तरीके से सुना, जवाब तो दे, हम अपना काम बता रहे हैं। चलो आपने सच बोला ठीक है, तो हमें भी तो अपना सच बोलने दो। हाँ, बोलिए कि सर्टिफिकेट आप ही के पास है, हम सरकार की योजनाओं को बता रहे थे। तो अरे ठीक ठीक है, बस हो गया सर, क्यों इस तरह का बात कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार जी ने आप लोग के बारे में क्या बोला, हमारे बारे में भी क्या बोला, उसके बावजूद भी हम लोग को लज्जित होना चाहिए कि हम लोग के बारे में टीका टिप्पणी हो रही है और हम लोग काव काव कौओं की तरह जो जानवर की तरह आवाज कर रहे हैं। कम से कम बात सुन लीजिए, आपने आपने झट सोच बोला या झूठ बोला, हमने आपका सुना, तो अब आपकी भी बारी है, आप भी सुनिए। देखिए, चाहे आप स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जो सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, कि अस्पताल यहाँ मात्र 14 मेडिकल कॉलेज थे, हमारी सरकार ने क्या किया, 58 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 36 में जो है पढ़ाई शुरू हो गई है मेडिकल की। ये है हमारी उपलब्धि, ये हमारी उपलब्धि। आज 5 जो है एक्सप्रेसवे बन गए, देखिए चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, या आप देख लीजिए मेरठ से लेकर दिल्ली तक लगा, मतलब आप विकास की योजनाएं वो दिख रही है। हाँ, अलग बात ये उनको दिखता है जो जनता के बीच में जाते हैं, जो लोगों के बीच में जाते हैं, जो सड़कों पे चलते हैं, जो अस्पतालों में आप लोगों की समस्याओं को लेकर जाते हैं, ये उनको दिखता है। जो फेसबुक से, जो ट्विटर से, जो और वही बात कोरोना की, कोरोना में देख लीजिएगा सब कमरे में खिड़की तक बंद कर चुके, दरवाजे तो छोड़िए बंद कर दिए। तब हमारे कोई ऐसा जिला नहीं था जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी हर जिले में ना गए हों, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, जो भी समस्या है। देखिए, आप सब जानते हैं कि ये जो है एक प्राकृतिक आपदा था, इसका पहले किसी के पास इलाज नहीं था, हमारा तो छोड़िए, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं शिक्षा के मामले, स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन उनकी भी क्या दशा थी। देखिए, इस पे मजाक नहीं बल्कि इसके ऊपर जो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जो चीज है, लेकिन हमारी सरकार लगातार लोगों के बीच समाजवादी सरकार में बने थे।
किसी सरकार ने ऑक्सीजन कमी बताने पे जेल नहीं भेजा लोगों को, और आपने किया कोरोना के दौरान। सुन लीजिए नितिन जी, इन्हीं की सरकार, अच्छा ऑक्सीजन की इन्होंने बात कर दी, इन्होंने झूठ बोला। सुनिए सुनिए, नितिन जी सुनिए, नितिन जी सरकार ने झूठ, ऑक्सीजन भंडार होते हुए भी देश में त्राही त्राही होने के बावजूद भी ऑक्सीजन अधिक मांगा, और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी ने कोरोना के लोगों को इंजेक्शन नहीं लगवाने दिया। ठीक है प्लीज, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा थी, और चर्चा में साफ तौर पर साबित हुआ कि सरकार की तरफ से जो कार्य योजना थी उस कार्य योजना के तहत काम किया गया, और 100 दिन का जो खाका है वो 4 जुलाई को जनता के सामने पेश किया जाएगा। विपक्षियों के सामने चुनौती ज्यादा है, क्योंकि 24 का चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार भी है, ऐसे में इनसे लड़ना भी है और आगे की रणनीति को तय करके 24 के लिए अपनी जो जमीन है उसको भी मजबूत करना है। देखना ये होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है विपक्षियों की, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयार है, अपना एजेंडा सेट किए हुए है और अपने लक्ष्य पर काम कर रही है, ऐसा साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीनी अनुमति। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।